Hello, good afternoon everybody. Now in the series of ongoing lectures of Shri Aketantra, today I am going to teach you the topic headache. The topic headache is mentioned in your syllabus. So please listen to it carefully, and more thing which I want to add, that out of 11 sirrog, 7 sirrog are compared with headache as per the comparison. So vata sirrog, pitta sirrog, kapha sirrog, संनिपात शिर रोग, रक्त शिर रोग, कृमि शिर रोग और क्षय शिर रोग, ये 7 रोग जो है इनको हम मॉडर्न में हेडेक से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर इनमें से कोई भी रोग आ जाता है, वात पित्त कफ संनिपात क्षय रक्त कृमि आदि 7 रोगों में से, तो अगर उनका मॉडर्न पूछा जाता है तो वहां पे आपको हेडेक लिखना है, तो उसमें कंप्लीट हेडेक आ जाएगा। टॉपिक इतना लेंथी नहीं है, पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं, तो इसको टॉपिक को जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है, ताकि एक तो जो डिफरेंट हेडेक है उनकी कंपैरेटिव स्टडी हो जाए, दूसरा उनको लर्निंग में आपको आसानी रहे। तो इसको किस प्रकार से मैंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है या डिस्क्राइब किया है वो एक बार आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम हेडेक की टाइप्स जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ हेडेक, फर्स्ट इज क्लस्टर हेडेक, नेक्स्ट इज टेंशन हेडेक, थर्ड इज मेनिंजियल इरिटेशन, फोर्थ इज ब्रेन ट्यूमर, फिफ्थ इज पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक एंड सिक्स्थ इज टेम्पोरल हेडेक। So these are the types of headache. So I have described these headache types in tabular form. तो इस tabular form में मैंने क्या किया है कि specificity में एक headache को ले लिया, जैसे suppose करो cluster headache, पहले उसके synonyms बता दिए अगर कोई है, फिर उसकी साइट कौन सी साइट को ज्यादा इफेक्ट करता है, देन एज एंड सेक्स, कौन सी एज और किस सेक्स में ये ज्यादा होता है, ये 6 प्रकार के हेडेक्स की बात कर रहा हूँ। देन क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं, उसमें पेन कैसा होता है, देन डायर्नल पैटर्न, डायर्नल पैटर्न मीन्स 24 घंटे में उसकी कैसी स्थिति रहती है, फिर लाइफ प्रोफाइल क्या है, लाइफ प्रोफाइल में भी किस प्रकार से ये मंथ तक होता है, ईयर तक होता है, वीक्स तक होता है, ये इसका लाइफ प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन इसमें दी गई है किसी भी प्रकार के हेडेक की। फिर प्रोवोकिंग फैक्टर्स का वर्णन किया गया है कि कौन सा प्रोवोकिंग फैक्टर है, कि कोई प्रोवोकिंग फैक्टर है भी कि नहीं है, उसका वर्णन प्रोवोकिंग फैक्टर की हेडेक में किया गया है। फिर जो हेडेक है उसके एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं, जैसे क्लस्टर हेडेक के या टेंशन हेडेक के या मेनिंजियल इरिटेशन, इनके जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं उनका वर्णन किया गया है इस टॉपिक के अंदर।
फिर ट्रीटमेंट में जो है ट्रीटमेंट के पार्ट्स की कौन सी ट्रीटमेंट देनी है उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से मैंने टेबलर फॉर्म में इन डिजीजेस को डिस्क्राइब किया है। तो इसको मैंने फर्स्ट जो है क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक और मेनिंजियल इरिटेशन को लिया है। तो इसकी स्पेसिफिसिटीज में, तो सबसे पहले क्लस्टर हेडेक को हम लेंगे और उसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं। क्लस्टर हेडेक का सिनोनिम जो है वो हिस्टामाइन हेडेक भी है। इसकी साइट जो है वो है ऑर्बिटो टेम्पोरल या ऑर्बिटल टेम्पोरल और ये यूनिलेटरल होता है। एजेंट सेक्स ये एडोलेसेंट और एडल्ट मेल्स में होता है और 90% जो केसेस है वो इस एज ग्रुप में मिलते हैं और मेल्स में मिलते हैं। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो पेन है वो इंटेंस होता है, नॉन थ्रॉबिंग होता है, मीन्स नॉन पल्सेटिंग टाइप का पेन इसमें होता है जो कि इंटेंस होता है। फिर इसका डायुर्नल पैटर्न जो है वो यूजुअली नॉक्टर्नल, मतलब ये रात के समय होता है 1 to 2 hours आफ्टर फॉलिंग एस्लीप, सोने के दो एक या दो घंटे के बाद ये शुरू होता है और ओकेजनली ये डायुर्नल होता है, ये दिन में भी हो सकता है ओकेजनली। फिर क्लस्टर हेडेक की अगली स्पेसिफिसिटी जो है वो इसका लाइफ प्रोफाइल है। इसके लाइफ प्रोफाइल के विषय में बोला गया है कि नाइटली और डेली फॉर सेवरल वीक्स टू मंथ्स, तो ये नाइटली होता है या डेली होता है और कई हफ्तों से लेकर कई ये महीने तक हो सकता है, कई मंथ तक हो सकता है। रिकरेंस आफ्टर मेनी मंथ्स और इयर्स, इसकी रिकरेंस कुछ महीनों के बाद या इयर्स के बाद भी हो जाती है। इसका प्रोवोकिंग फैक्टर जो है अल्कोहलिज्म, तो अल्कोहल जो है कुछ लोगों में इसका प्रोवोकिंग फैक्टर माना जाता है। तो इसके एसोसिएटेड फीचर जो है वो लैक्रिमेशन, नॉस्ट्रल्स स्टफ्ड, नॉस्ट्रल्स का स्टफ हो जाना, रिनोरिया, इसको आयुर्वेद में नासोस्राव कहते हैं, इंजेक्टेड कंजक्टिवा यानी कि रेडनेस ऑफ द आई ड्यू टू स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इंजेक्टेड कंजक्टिवा में क्या होता है, ब्लड वेसल की इरिटेशन और स्वेलिंग हो जाती है जिसके कारण जो है वो आई में रेडनेस प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें जो है ये रेडनेस जो है ये किसी अंडरलाइन डिजीज के कारण नहीं होती, ये फॉर जैसे आईज ग्रो अप करना, कोई फॉरेन बॉडी आई में सेंसेशन हो जाए उसके कारण, और जो एक्स्ट्राकुलर मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाए, रिफ्रैक्टिव एरर हो जाए, उन कंडीशंस में जो पर्सन लैक ऑफ स्लीप हो जाए सपोज, तो जो पर्सन आईज को रब करता है या इन सब कंडीशंस में आई का कलर जो है वो रेड हो जाता है, उस कंडीशन को हम इंजेक्टिव कंजक्टिवा कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है क्लस्टर हेडेक की ट्रीटमेंट का है, तो इसमें इसकी ट्रीटमेंट में फर्स्ट जो है एरिगेटोमाइन बिफोर एंटीसिपेटेड अटैक, तो एरिगेटोमाइन को देते हैं अगर लगता है कि अटैक होगा उससे पहले। देन एमेट्रिप्टिलिन मेथिसर्जाइड, एमेट्रिप्टिलिन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनके एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक और एंटी फाइब्रोटिक इफेक्ट के कारण इनको देते हैं। देन लिथियम इन लीगल कैल्सिट्रिन केसेस, लिथियम जो है वो मूड स्टेबलाइजर होता है, तो ये मूड स्टेबलाइजर के लिए लिथियम ड्रग दी जाती है। तो कमिंग ऑन सेकंड हेडेक इज टेंशन हेडेक, तो टेंशन हेडेक के जो सिनोनिम कोई नहीं है, इसके साइट जर्नलाइज
So site of tension headache is generalized age and sex. It mainly affects adults, both sexes, more in women. So ye dono sexes ko affect karta hai aur women jo hai isse zyada affected rehti hai. Then clinical characteristic mein jo hai pain, jo pressure type of pain hota hai, jo non throbbing hota hai, yani ki non pulsating type of pain is present, tightness and aching. So isme pain jo pressure, tightness and aching type ka hota hai. इसका डायगोनल पैटर्न में कंटिन्यूअस वेरिएबल इंटेंसिटी फॉर डेज वीक्स और मंथ. तो ये इसका डायगोनल पैटर्न जो कंटिन्यूअस होता है, वेरी करता है, और इसकी इंटेंसिटी दिनों, हफ्तों तक या मंथ तक रहती है. देन अबाउट टेंशन हेडेक का लाइफ प्रोफाइल, वन आर मोर पीरियड्स ऑफ मंथ्स और ईयर्स. तो ये टेंशन हेडेक मोर टाइम्स भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, फॉर मंथ्स और इयर्स. इसका प्रोवोकिंग फैक्टर जो है, इट इज फटीग एंड नर्वस स्ट्रेन. तो फटीग, थकान और स्ट्रेस किसी प्रकार के तनाव के कारण ये हेडेक होता है. इसके एसोसिएटेड फीचर है डिप्रेशन, वरी एंड एंग्जाइटी. तो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, वो वरी उसको ज्यादा होती है और एंग्शियस हो जाता है, दुखी रहने लग जाता है पर्सन. इसकी ट्रीटमेंट में है एंटी एंग्जाइटी एंड एंटी डिप्रेशन ड्रग्स. तो ये इसकी ट्रीटमेंट है. देन कमिंग ऑन टू थर्ड हेडेक इज दैट इज मेनिनजियल इरिटेशन. तो इसकी डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है. Synonym of meningeal irritation is meningitis and subarachnoid hemorrhage. तो इसको meningitis भी कहते हैं, subarachnoid hemorrhage भी कहते हैं. तो इसका site is, it is generalized by occipital or bifrontal. तो site of meningeal irritation is generalized भी हो सकती है, by occipital भी हो सकती है, या bifrontal भी हो सकती है. तो age and sex. Any age, both sexes are affected. इसमें कोई भी एज ग्रुप और दोनों सेक्सेस को ये इफेक्ट करता है. इसके क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक जो है, इंटेंस पेन जो इंटेंस होता है, स्टेडी डीप पेन, पेन डीपली होता है, स्टेडी होता है, और नेक में भी प्रेजेंट होता है, विच में भी वर्स इन नेक, नेक में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है. इसका डायगोनल पैटर्न जो है, रैपिड एवोल्यूशन मिनट टू आवर्स. तो ये रैपिडली स्टार्ट होता है, जो मिनट से कई घंटों तक रह सकता है. देन कमिंग टू इट्स लाइफ प्रोफाइल, इसका सिंगल एपिसोड होता है. इसका प्रोवोकिंग फैक्टर, देयर इज नो प्रोवोकिंग फैक्टर ऑफ मेनिनजियल इरिटेशन और मेनिनजाइटिस. तो इसके एसोसिएटेड फीचर जो है, वो है नेक स्टिफ ऑन फॉरवर्ड बेंडिंग, which is known as Kernig and Brudzinski signs. उसमें neck जो है, उसमें stiffness आ जाती है, उसको bend करने में, आगे पीछे bend करने में, side में bend करने में जो है, वो patient को problem होती है, neck में stiffness आ जाती है. इसकी treatment जो है, for meningitis or bleeding. तो इसमें meningitis or bleeding की treatment करते हैं. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडेक है, वो है ब्रेन ट्यूमर. तो ब्रेन ट्यूमर की साइड जो है, यूनिलेटरल और जनरलाइज. तो ये यूनिलेटरल एक तरफ होता है, या पूरे सिर में भी ये हेडेक हो सकता है. एज एंड सेक्स, एनी एज एंड बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड. इसमें कोई भी एज ग्रुप और दोनों सेक्स जो है अफेक्ट हो सकते हैं. इसका क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक जो है, वो वेरिएबल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसकी जो वेरिएबल होती है, और मे अवेकन पेशेंट्स, स्टेडी पेन. इसकी इंटेंसिटी जो है, वो पेशेंट को जगा सकती है, पेन जो स्टेडी होता है,
इसका डायगोनल पैटर्न जो है लास्ट मिनट्स टू आवर्स बोथ इन अर्ली मॉर्निंग विद इंक्रीजिंग सीटी, ये कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक रह सकता है, अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा होता है और इसकी सीटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ब्रेन ट्यूमर की लाइफ प्रोफाइल के बारे में बोला गया है कि इसका लाइफ प्रोफाइल जो है वंस इन लाइफ टाइम वीक्स टू मंथ, तो ये लाइफ में एक बार होता है और वीक्स टू मंथ तक ये रह सकता है। इसके प्रोवोकिंग फैक्टर्स के बारे में बोला है कि प्रोवोकिंग फैक्टर्स में कोई नहीं है, समटाइम्स पोजीशन जो है वो इसका प्रोवोकिंग फैक्टर माना गया। इसके एसोसिएटेड फीचर के विषय में बोला गया है कि पेप्लियोडीमा, पेप्लियोडीमा होता है एडीमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, देन वोमिटिंग, इंपेयर्ड मेंटेशन, मेंटली अपसेट हो जाना, सीजर्स, गौरी पढ़ना, फोकल साइंस। देन इसकी ट्रीटमेंट जो है ब्रेन ट्यूमर की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मैनिडोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। तो इस प्रकार से ब्रेन ट्यूमर को हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो है हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक है, इसकी साइट के बारे में बोला गया है यूनिलेटरल और जनरलाइज। तो इसकी साइट भी यूनिलेटरल और जनरलाइज होती है, ये भी इसके एज एंड सेक्स जिसको ये इफेक्ट करता है, ये भी किसी भी एज और बोथ सेक्सेस को इफेक्ट कर सकता है। इसका क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है डी स्टीडी डीप सीटेड स्फीयर, उसमें जो पेन होता है वो स्टीडी होता है, डीपली सिचुएटेड होता है और स्फीयर पेन होता है इसमें। इसका डायगोनल पैटर्न जो है वो है क्रॉनिक कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट हेडेक्स, इसमें जो हेडेक होता है वो क्रॉनिक होता है, कंटिन्यूसली रहता है और इंटरमीडिएट हेडेक भी इसमें ही होता है। इसके लाइफ प्रोफाइल के विषय में बोला गया है इट प्रोसेसेस फॉर सेवरल वीक्स टू मंथ, तो ये कुछ हफ्तों से लेकर मंथ कुछ मंथ तक रेजिस्ट कर सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक का प्रोवोकिंग फैक्टर कोई भी नहीं है, देयर इज नो प्रोवोकिंग फैक्टर। इसके एसोसिएट फीचर जो है गिडीनेस, जिसको हम अगर कहें तो थकान जिसको कहते हैं, देन फटिगेबिलिटी, ये भी एक तरह की थकान ही है, देन इंसोमनिया, नींद ना आना, नर्वसनेस, नर्वस रहना पर्सन का, ट्रेम्पलिंग, कंपकपाना, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होना, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट ना कर पाना एंड टीयरफुलनेस, पेशेंट जो है उसको अक्षुस्राव होना, देन पोस्ट ट्रोमेटिक नर्वल इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम। तो ये जो सारे फीचर्स गिडीनेस, फैटिगेबिलिटी, इंसोम्निया, नर्वसनेस, ट्रेम्बलिंग, इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड टीयरफुलनेस, ये सारे पोस्ट ट्रोमेटिक नर्वस स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी के सिंड्रोम के साइंस और सिम्टम्स है। देन कमिंग टू ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक की ट्रीटमेंट है सपोर्टिव थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ रीश्योरेंस एंड फ्रीक्वेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेनाइन एंड ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द सिम्टम्स। उसमें सपोर्टिव थेरेपी वो देते हैं पेशेंट को, उसको रीश्योर करते हैं, उसको बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है ये एक बेनाइन कंडीशन है, ये कुछ समय तक की कंडीशन है, सिम्टम्स जो हैं धीरे धीरे जा करके अपने आप खत्म हो जाएंगे। सेकंड, इसमें प्रोग्राम ऑफ इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंट को ये सलाह दी जाती है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। थर्ड, इसकी ट्रीटमेंट में एंटी एंग्जाइटी एंड एंटी डिप्रेशेंट ड्रग, तो पेशेंट को एंटी एंग्जाइटी एंड एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स दी जाती हैं। फोर्थ, इसकी ट्रीटमेंट टेंडर स्कार्स फ्रॉम स्कार्स में भी ट्रीटेड बाय रिपीटेड सबकोटेनियस इंजेक्शंस और लोकल एनेस्थीसिया 5 मिलीलीटर ऑफ 1% प्रोपो
प्रोटीन। तो टेंडर स्कार्स जो उनको जो कि स्कार्स साल में प्रेजेंट हैं, उनको सबकंटीन्यूअस इंजेक्शन के द्वारा ठीक किया जाता है, जिसके लिए 5 मिलीलीटर ऑफ प्रोकेन जो कि लोकल एनेस्थेटिक है उसको यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हेडेक जो है वो हमारा टेम्पोरल हेडेक है। तो लास्ट टाइप ऑफ हेडेक इज टेम्पोरल हेडेक। तो इस डिस्क्रिप्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टू साइट यूनिलेटरल और बाइलेटरल यूजली टेम्पोरल। तो ये यूनिलेटरल हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, और यूजली ये टेम्पोरल रीजन में होता है। एज एंड सेक्स, ये ओवर 50 इयर्स ऑफ आइदर सेक्स, ये 50 साल से ज्यादा की उम्र में किसी भी सेक्स में, मेल से फीमेल में हो सकता है। तो इसके क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है थ्रॉबिंग, मींस पल्सेटिंग पेन होता है, परसिस्टेंट एकिंग, परसिस्टेंट रेगुलर एकिंग होती है, एंड बर्निंग आर्टरीज थिकेंड एंड टेंडर। आर्टरीज की बर्निंग होती है, थिकनेस होती है और टेंडरनेस प्रेजेंट होती है। इसका डायग्नो पैटर्न जो है इंटरमीडिएट देन कंटीन्यूअस। ये इंटरमीडिएट पेन हो सकता है इसमें या फिर कंटीन्यूअस। इसका लाइफ प्रोफाइल जो है प्रोसेस फॉर वीक्स एंड मंथ्स। तो ये वीक्स से लेके मंथ्स तक हो सकता है। देन कमिंग टू इस प्रोवोकिंग फैक्टर, देयर इज नन ऑफ द प्रोवोकिंग फैक्टर ऑफ इट। इसके एसोसिएटेड फीचर्स हैं लॉस ऑफ विजन, पोलीमायलेजिया रूमेटिका। पोलीमायलेजिया रूमेटिका जो है इसमें जो है शोल्डर्स और हिप रीजन में पेन होता है। Then fever, weight loss, increased sedimentation rate जो इसके associated features होते हैं। तो temporal headache की जो treatment है वो corticosteroids। तो इस प्रकार से हमने ये 6 types of headache, namely cluster headache, tension headache, meningeal irritation, brain tumor, post traumatic headache, temporal headache को उनके synonym side agent X, clinical characteristic, diurnal pattern, life profile, provoking factors, associated features, treatment के accordingly study कर लिया है। तो यहाँ पे tabular form में इसको study करने का reason ये था ताकि comparative study में easy रहे और learning में आसानी रहे। और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है 7 आयुर्वेदिक रोगों का मॉडल है। तो अगर कोई भी आयुर्वेदिक रोग आ जाता है, अगर वो 5 मार्क्स में आता है या 10 मार्क्स में आता है, तो वहां पे आपको अगर हेडेक डिस्क्राइब करना होगा तो और उसको आप कंसाइज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हेडेक रोग जो हेडेक डिजीज आपके सिलेबस में भी मेंशन है और समाप्त करने की आ गए थे। तो इसके साथ ही आपको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर केयरफुली। सो लर्न इट केयरफुली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम we will discuss it later in the classroom, or you can call me or WhatsApp me. In any way, we will discuss the topic in whichever way you want. So keep studying. Thank you. Have a nice day. Thanks a lot.